हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 17 दिन शनिवार की ब्रेकिंग न्यूज। वही हिंदी महीना कुमार और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए गुड न्यूज है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी होने की तिथि आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के बैंक खातों में 25 सितंबर को जारी होने जा रहे हैं। यदि आपने ईकेवाईसी कराया है तो ही आपके बैंक खातों में यह राशि जारी होगी, अन्यथा नहीं। अभी भी आपके पास समय है, आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के ईकेवाईसी करा सकते हैं। दोस्तों, चुनाव से पहले राजनीति में बड़ी खलबली मची हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को फिर लगा एक झटका। इस वरिष्ठ नेता ने फिर छोड़ दी है पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा पर निकली कांग्रेस अपनी पार्टी को जोड़कर नहीं रख पा रही है। हाल ही में गोवा में 8 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। अब मध्य प्रदेश में भी एक विधायक जो पार्टी में 30 साल से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जो 30 साल से पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि माननीय कमलनाथ जी, मैं करीब 30 वर्षों से निरंतर कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, परंतु हाल ही में पार्टी के हमारे खुरई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव हुआ है, उससे खुरई विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता दुखी हैं। अतः मैं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी जिला टीकमगढ़ व प्रदेश कांग्रेस के सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आपका अरुणोदय चौबे। इस प्रकार से पूर्व विधायक चौबे जी ने पूर्व सीएम कमलनाथ जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। दोस्तों, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने की है बड़ी घोषणा। घोषणा के तहत उन्होंने कहा कि अब चीता मोबाइल कहलाएंगे दोपहिया पुलिस पेट्रोलिंग वाहन। गृह मंत्री ने कहा कि राज्यभर के पुलिस पेट्रोलिंग वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे। 70 साल बाद चीते एक बार फिर भारत की धरती पर पैर रखने जा रहे हैं। इन्हीं के आगमन पर गृह मंत्री ने यह घोषणा की है। श्योपुर जिले के कोनो अभ्यारण्य में चीतों के आने की खुशी पूरे देश में है, लेकिन प्रदेश के लोगों के लिए यह खुशी के साथ गर्व का भी विषय है। गृह मंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोनो में चीतों को अभ्यारण्य में छोड़ेंगे, उस समय प्रदेश भर के पेट्रोलिंग वाहन सायरन बजाते हुए पेट्रोलिंग करेंगे। आपको मालूम होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी का श्योपुर में आगमन है और वे वहां कोनो अभ्यारण्य में चीतों को छोड़ेंगे। इस पर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि दो पहिया पुलिस पेट्रोलियम वाहन को चीता नाम देने के पीछे एक कारण लोगों को यह विश्वास दिलाना भी है कि प्रदेश पुलिस पहले से तेज चीता रफ्तार से अब पीड़ित के पास पहुंचेगी और आमजन की सहायता करेगी। अब देखना होगा कि प्रदेश पुलिस चीते के समान आमजन की सहायता करती या फिर पहले जैसी रहेगी। दोस्तों, प्रदेश के अधिकांश जिलों में लंपी वायरस पहुंच गया है। अब इंदौर के 19 गांवों में भी पहुंच गया है लंपी वायरस, जहां 81 गायें बीमार हैं और जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राजस्थान के रास्ते आया लंपी वायरस रोग इंदौर जिले के 19 गांवों में फैल गया है। देपालपुर क्षेत्र के इन 19 गांवों में 81 गायें लंपी वायरस का शिकार हो चुकी हैं। इंदौर जिले के देपालपुर क्षेत्र के इन गांवों में फैला है लंपी वायरस। वे गांव हैं पीर, पिपलिया, बड़ीपुरा, विजयपुरा, करवासा, दौलताबाद, चिकलोंडा, अहिरवार, बेंगदा, खटवाड़ी, तामलपुर, गिरोला, नेवरी, दासरी, खजराया, खाड़ी, जलोदिया, तकीपुर आदि। लंपी वायरस से बचाव के लिए पशु चिकित्सा विभाग ने प्रभावित गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में वैक्सीनेशन का अभियान चला दिया है। जिले में अब तक 8,000 मवेशियों को टीके लग चुके हैं और टीम वहां पहुंचकर पशुओं का इलाज भी कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि टीके लगाने से गायों में सुधार हो रहा है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यदि आपके यहां भी पशुओं को थोड़ा भी लक्षण आता है तो जरूर पशु चिकित्सा विभाग को संपर्क करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पोषण आहार वितरण में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया धरना प्रदर्शन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के 2 दिन बाद ही समाप्त हो गया। पोषण आहार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को सदन में घेरने में नाकाम रही कांग्रेस अब इसे लेकर सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस विधायक राजधानी में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए। पार्टी ने तय किया है कि इस मामले को लेकर वे गांव-गांव तक जाएंगे और इस गड़बड़ी को उजागर करेंगे, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की आमजन के बीच में पोल खुल सके। अच्छा है, विपक्ष का काम है, करना चाहिए, राइट। दोस्तों, हरदा जिले में हरदम हरदा ऐप का शुभारंभ किया गया है। आम लोग अब जिला प्रशासन तक पहुंचा पाएंगे अपनी समस्याएं। कृषि मंत्री कमल पटेल के आग्रह पर हरदा जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को क्षेत्रीय सांसद डीडी विके ने हरदम हरदा ऐप का लोकार्पण किया।
प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर 8226004x6 पर आम लोगों से अपनी शिकायत, आवेदन एवं सुझाव भी मांगे हैं। अर्थात दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हरदा की जनता अपनी समस्याएं बता सकती है। यह समस्याएं प्रशासन देखेगा और जल्दी से जल्दी आमजन की इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग जी ने बताया कि स्थानीय विधायक एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की मंशा थी कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि जिले के लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना ना पड़े। उनकी मंशा के हिसाब से ही हरदा जिले में हरदम हरदा ऐप का शुभारंभ किया गया है, जो आमजन को समस्याओं से निजात दिलाएगा। ऐसे यह व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कृषि मंत्री पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में रखा है 75 लाख पौधारोपण का लक्ष्य। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मध्य प्रदेश में 75 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से शुरू होने जा रही है। दोस्तों, 22 सितंबर को बालाघाट आएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। बालाघाट जिले के वारासिवनी व खैरलांजी में पूर्व सीएम कमलनाथ आगामी 22 सितंबर को एक दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार श्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से खैरलांजी पहुंचेंगे, जहां महान योद्धा रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जनता को संबोधित करेंगे। यदि आप इच्छुक हो तो जरूर 22 सितंबर को बालाघाट के वारासिवनी और खैरलांजी पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नई पॉलिसी रीडेवलपमेंट तैयार की जा रही है। इसके तहत जर्जर भवन तोड़ने पर अब मुफ्त में मिलेगा नया आशियाना। नगरी विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश भर के लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी तैयार कर ली है। इसके मुताबिक प्रदेश में किसी भी जमीन पर बनी पुरानी जर्जर बिल्डिंग को तोड़ने पर इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इंसेंटिव के तहत पुराने फ्लैट के बदले अब नया और ज्यादा बड़ा फ्लैट मुफ्त या थोड़ी प्रीमियम राशि जमा करने पर मिल सकेगा। हालांकि यह पॉलिसी शहरी क्षेत्रों के लिए है। फिलहाल इस पॉलिसी को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। यदि कैबिनेट इसे मंजूरी देता है तो जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में मिर्च पर वायरस का अटैक हो गया है, जिससे मिर्च की फसल 50% हो गई है नष्ट। दोस्तों, खाने का जायका बढ़ाने वाली लाल मिर्च आपके किचन का बजट बिगाड़ सकती है। मालवा निमाड़ में मिर्च की फसल पर सफ़ेद मक्खी ने अटैक कर दिया है। इससे फसल को 50% से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इससे आने वाले दिनों में मिर्च के भाव 250 रुपये प्रति किलो के ऊपर तक भी जा सकते हैं। अर्थात मिर्च की फसल कम होने से मिर्च के भाव में तेजी जरूर आएगी। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।